गुलबर्गा शहर में यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा में यतीमखाना के सदर जनाब मजर हुसैन एडवोकेट की निगरानी में दीनी मदरसे की शुरुआत की गई है, जिसका इनॉग्रेशन वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली के हाथों किया गया है। यतीमखाना में रहने वाले बच्चों के अलावा आसपास के इलाकों में बच्चों के लिए दीनी तालीम की जरूरत को महसूस कर मुफ्त में दीनी तालीम देने के लिए मदरसा ओपन किया गया है। सैयद मजर हुसैन एडवोकेट, एडवोकेट जब्बार गोला और दीगर यतीमखाना कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा, आजकल के माहौल में बच्चे दीनी तालीम से दूर रहने की वजह से नशा, लूटमार, गुंडागर्दी करने के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का होना भी बेहद जरूरी है। यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा में अलहुदा नामी दीनी मदरसा ओपन कर आसपास के इलाकों के बच्चों के लिए दीनी तालीम दी जा रही है। अंजुमन अंसारुसफा यतीमखाना की जो कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो मदर यतीम खाने के आजू बाजू में जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चों के वास्ते आज एक मदरसे का इनाग्रेशन करने के लिए मेरे दीनी मदरसा इनाग्रेशन करने के लिए मेरे को बुलाए थे। माशाल्लाह मैनेजिंग कमेटी के हर एक मेंबर भी हर एक कामों में इन्वॉल्वमेंट होके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही मैनेजिंग कमेटी अच्छा काम करते रहे और हमेशा हमारा वक्फ बोर्ड का जो ताउन इनके साथ में रहेंगे। वो एक मशहूर हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है, यानी हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि कम से कम हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए और दीन के जो बुनियादी अकायद है उससे वाकिफ़ हो। और सबसे बड़े में माशरे में जो बुराइयाँ फैल रहे हैं और लोग मुख्तलिफ फितनों के शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दीन की जो बुनियादी इल्म है वो हमारे पास नहीं है। हमारे ये फ़र्ज़ बनता है कि पहले बुनियादी तालीम और अकायद से हमारे बच्चों को उनको वाकिफ़ कराएँ, उसके बाद चाहे वो जाके जिस फील्ड में भी काम करें, फिर इंशाल्लाह बहकेंगे नहीं और जो भी इस्लाम के उसूल हैं उस पर चलेंगे और माशरे का एक अच्छा जुज़ बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यतीम खाना अंजुमन अंसारुसफ़ा और एक नया संग मेल तय करने जा रहा है आज सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट की सदारत में। काबिल मुबारकबाद है तमाम मेम्बरान कमेटी, तमाम मोहल्ले के लोग, खासकर जो यहाँ गरीबी है हमारे कैंपस यतीम खाना में, उसको मद्देनज़र रखते हुए दीनी मदरसे का क़याम बेहद ज़रूरी महसूस कर रहे थे हम काफ़ी दिनों से। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेड़ा उठाया और अल्लाह के फजल करम से आज इसका इफ्तिताही अमल में आया कुछ देर पहले। और अतराफ़ व अकनाफ के जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी सहूलत के लिए ये कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में जैसा कि माहौल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे गलत सोहबतों में, आदतों में मुलविस हो रहे हैं और क्राइम की दुनिया के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब दीनी तालीम से आरस्ता पैरस्ता उन्हें किया जाएगा तो आने वाले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरीन नतायज और ये बच्चे कौम का असासा और पक्के और सच्चे मुसलमान हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ, अपना इरादे के साथ, मजबूती के इरादे के साथ अपना काम को जारी रखेंगे और इस्लामी तर्ज पे ज़िंदगी गुजारने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफ़ा यतीम हॉस्टल में, हॉस्टल प्रीमाइसेस में अलहुदा दीनी मदरसे का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें हजरत अली डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के मौजूदगी में ये मदरसा इफ्तिताह हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मदरसे में फिलवक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस में 50 बच्चों ने एडमिशन लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन यहाँ पर मदरसे में होंगे। यहाँ पर जो यतीम खाने के जो मुकामी लोग हैं उनके बच्चों के साथ साथ हमारे जो यतीम खाने के जो बच्चे हैं उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर मुफ्त जो है दीनी तालीम यहाँ पर दी जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और उसको जो है हिफ्स कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे। एक अच्छा काम, अच्छे काम की शुरुआत यहाँ पर यतीम खाने में हुई है। तमाम मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारान अहदेदारान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।